हेलो गाइस, वेलकम है आपका माय यूट्यूब चैनल डीएस फास्ट ब्लॉग में। दोस्तों फिर आज मैं नया वीडियो लेकर के आज दिखा रहा हूँ मैं दोस्तों गांव पिंजरी की पार्ट टू वीडियो। पिछले वीडियो में दिखाया था मैंने मालपुआ की मार्केट, और आज दिखाने जा रहा हूँ जो यहाँ पर हद मसाले मिर्च मसाले गाँव में जो बिकने वाली जरूरत वाली चीज़ होती है, हरी सब्जी मसाले और जो दालें वगैरह होती है सारा कुछ बिकता है इसके अंदर, क्या रेट बिकता है, कैसी मार्केट लगती है, अंदर चल के दिखाता हूँ। दोस्तों आप हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कीजिए लाइक और आगे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और आपको गांव की पेंट जबरदस्त और हर शुक्रवार को लगने वाली महीने में चार लगती हैं, और आपको दिखाते हैं, चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। इसी गांव में रोड के किनारे लगने वाली एक बगीचे में पेंट इसको बोला जाता है। इस बाजार के अंदर हरी सब्जियां, खाने पीने का सामान, चाट पकौड़े, कोई स्टालें और ये यहां पर पशुओं की पेंट भी लगती है। दोस्तों जय भैया बरूला वाले, ये गरम गरम बरूले और ब्रेड पकौड़े यहाँ मिलते हैं, और ये अमरूद आलू क्या रेट दे रहे बाबा सपड़ी अंकल जी, सॉरी क्या रेट दे रहे भैया? 20 रुपए किलो अमरूद, देखो ताजी ताजी है। और जहाँ जैकेट भी मिल जाती है सर्दी का मामला, और जहाँ नाश्ते का सामान नमकीन मूंगफली वगैरह और धूम्रपान करने के लिए गुटखा तम्बाकू भी मिल जाता है इधर, और यहाँ दालें मिल रही हैं। क्या रेट चल रही है दाल भैया? कै रुपये किलो है? 100 रुपये किलो। कोई सी भी दाल खरीदिए, उर्द मसूर मूंग दाल चने, और जा देखिए 100 रुपये किलो की दाल है, कोई सी भी खरीद सकते हैं आप। और इधर भी देखें तो इधर भी मसालों की मार्केट लगी हुई है, हर प्रकार के मसाले भी मिल जाते हैं, गांव वालों की सेवा में लगे हुए हैं यहाँ पर। और हफ्ते में 4 दिन लगने वाली पेट, और यहाँ हरी सब्जियाँ आसपास के गांव के लोग आते हैं, एक हफ्ते का स्टॉक करके लेके जाते हैं, हरी सब्जियाँ दालें मसाले और खाने पीने का अपनी जरूरत बंद कपड़े लत्ते सब कुछ यहाँ मिल जाते हैं पेंट में। दोस्तों हमारे पूरे भारत में के गांव-गांव में ये पेंटें लगाई जाती हैं, शहर के अंदर मार्केट होती है, दुकानें होती हैं, और गांव में जिस प्रकार की पेंटें लगाई जाती हैं, इस पेंट के माध्यम से गांव के गांव वालों के लिए खाने पीने की व्यवस्थाएँ बनानी पड़ती हैं। गाँव में कोई अच्छी सी मार्केट नहीं होती है, इसी प्रकार की पेंटें लगाई जाती हैं जो गाँव के एक मुखिया होते हैं या अपने खेतों में वो जगह दे करके लगवाते हैं पेंटों को, और बाज़ारों में जाकर के हल्ला मचाते हैं हमारे गांव की पेंटों में। भैया आओ, दुकान वाले सब लोग इधर उधर से आते हैं, इकट्ठे होते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं सब कुछ देखने को मिल रहा है, किसान लोग भी काफ़ी आते हैं हरी हरी सब्जियां लेकर के, आलू लेकर के। दोस्तों पेंटों में ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ खाने को मिलती हैं, हमारे भारत में सबसे अच्छी बात यह है कि हरी सब्जियाँ बहुत मात्रा में होती हैं, हर प्रकार की हरी सब्जियाँ आपको मिल जाएंगी, वो भी ताज़ी ताज़ी बहुत कम रेट दे रहे। टमाटर भाई देखिए, देसी टमाटर 15 रुपए किलो, अल्लाह मार के ताजी ताजी माल मिलता है इस पेंट में। भैया ये कौन सी सब्जी है ये वाली? डोंगरू काजीपल, ये है डोंगरू काजीपल। और ये देखिए देसी मिर्च कितनी मोटी होती है, देसी मिर्च है भैया ये वाली? मोटी वाली मिर्च देसी वाली कौन सी मिर्च है ये? शिमला, ये शिमला मिर्च है, अचार वाली है। कैरबल दे रहे हो आप अचार की मिर्च? 40 रुपए के जी। पेंटों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दोस्तों हरी सब्जियां होती हैं, और दालें मसाले और खाने पीने का सामान जो कि जो मोमो चिक्की चाउमीन पड़ाके बरूले जो होते हैं इनको ज़्यादातर लेडीज़ें खाती हैं आपको नज़र आएंगे यहाँ पर। बीच बीच में भी यहाँ पर चाट पकौड़ियों पकवानों की ठेली लगे हुए आपको दिखा दूँगा मैं। और दूसरी चीज़ यहाँ बिकती है दोस्तों लेडीज़ों के कपड़े, जेंट्सों के कपड़े, बच्चों के कपड़े आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिल जाएंगे। देख रहे हैं आप यहाँ पर लेडीज़ों की स्टॉल, स्वाटर जर्सियाँ भी आपको मिल जाएंगी। और जहाँ पर मसालों की मार्केट एक साइड में बैठे हुए टोटल जहाँ आपको मसाले वाले आपको नज़र आ रहे होंगे पूरे में। और दूसरी चीज़ यहाँ बिकती है दोस्तों गुड़, यहाँ देसी भाषा में गुड़ बोलते हैं, उसको मिठाई भी बोल सकते हैं आप, गुड़ का भेला आपको यहाँ ट्रैक्टर के ट्रैक्टर आते हैं और घंटे दो घंटे बेच बाच के चले जाते हैं, 250-300 रुपये का भेला इस समय चल रहा होगा, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ ज़्यादातर मसाले वाले आपको नज़र आ रहे हैं, और यहाँ कपड़े लत्ते वाले भी आपको नज़र आ रहे हैं। देख रहे हैं चाट का ठेला लगा हुआ है, पकवान का ठेला, यहाँ लेडीज़ भी जेंट्स भी खाते हुए नज़र आ रहे हैं, टिक्की और समोसे और क्या गोलगप्पे आपको इस तरीके के नज़र आ रहे हैं। दोस्तों अब हम निकल के आगे रोड की तरफ, यहाँ देख रहे हैं जूते चप्पल की भी मार्केट है, और यहाँ जेंट्सों के बच्चों के कपड़े लत्ते यहाँ बहुत ही आसानी से दोस्तों मिल जाते हैं। मूँगफली हमारे यहाँ पर दोस्तों 120 रुपये के जी चल रही है इस समय, बढ़िया वाली मूँगफली
और थोड़ा हल्का लोगे तो 100। जलेबियाँ भी बहुत बिकती हैं दोस्तों, पैंठों में जलेबी बहुत खाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो ऊपर वाले वीडियो चल रहे हैं इनमें से कोई सा वीडियो क्लिक कीजिए प्लीज़, जल्दी से कीजिए। कल